Good day, my dear students. Now, as you know that we have started our studies, we have completed our chapter number 1, right? And today we are going to start our second chapter. And do you know what is the name of the chapter? See, it's The Drum Under a Banyan Tree. Hamare lesson ka naam kya hai? The Drum Under a Banyan Tree. So, now we will start our today's lesson. The village of Ratna was near a forest. The forest was deep and thick. Ratna used to go into the forest. Ratna used to go into the forest with her mother. They cut woods and collect honey and fruits. Now, who is Ratna? Ratna is a name of a girl. Ratna kya hai? Ek girl ka naam hai. Okay, see in this picture. Her name is Ratna. Ye ladke ka naam hai Ratna. Now, Ratna live in the village near a forest. Right? The forest was deep and thick. Deep and thick means forest. Matlab jo jungle hai, wo bahut deep and thick hai. Matlab hara bhara जंगल है, घना और हरा भरा जंगल. डीप मीन्स घना, थिक मीन्स हरा भरा. ओके, सो रत्ना यूज टू गो इन टू द फॉरेस्ट विथ हर मदर. ओके, दे कट वुड्स एंड कलेक्टेड हनी एंड फ्रूट्स. मतलब रत्ना अपनी मम्मी के साथ जंगल क्यों जाती थी, क्या करने जाती थी? वुड यानी कि लकड़ी एंड कलेक्ट हनी एंड फ्रूट्स. मतलब लकड़ी, फ्रूट्स यानी फल, हनी मीन्स शहद. लकड़ी, शहद और फ्रूट्स को कलेक्ट करने यानी कि जमा करने वो कहाँ जाती थी? जंगल में जाती थी. किसके साथ जाती थी? मदर यानी कि मम्मी के साथ जाती थी. वन डे द विलेजर्स हर्ड अ लाउड साउंड फ्रॉम द फॉरेस्ट. दे नेवर हर्ड सच अ साउंड बिफोर. देयर वॉज नो फिक्स टाइम फॉर द साउंड. इट केम एनी टाइम. Nobody dared to go into the forest now. They thought devils behind the sound. Now, one day. Means एक दिन the villagers heard a loud sound from the forest. Now, villagers. Villagers मतलब गाँव वाले. तो एक दिन गाँव वालों को बहुत जोर से आवाज़ सुनाई आई. कहाँ से? Forest मतलब जंगल से. किस टाइप की आवाज़ थी किसी को नहीं पता. Okay? They never heard such a sound before. गाँव वालों ने ऐसी sound मतलब ऐसी आवाज़ पहले कभी नहीं सुनी. ओके, किस टाइप की sound थी, कहाँ से आ रही थी और कब कब आ रही थी वो कुछ नहीं पता था. There was no fixed time for the sound. It came any time. ओके, nobody dared to go into the forest now. They thought devils behind the sound. मतलब वो साउंड यानी कि वो आवाज़ के आने के बाद से गांव वालों में से किसी ने भी डेयर यानी कि हिम्मत नहीं किया फॉरेस्ट यानी कि जंगल में फिर से एंटर करने के लिए. क्यों? क्योंकि उनको लगा कि वो आवाज़ शायद डेविल्स, डेविल्स मीन्स किसी भूत की है. ओके, तो वो डर की वजह से कोई विलेजर मीन्स गांव वाला फॉरेस्ट में जाने से डरता था. कोई उसको एंटर नहीं कर पाता था फॉरेस्ट को. ओके, नाउ रत्ना वॉज वेरी नॉटी. शी कुड नॉट सिट एट होम. वन डे शी वेंट इनटू द फॉरेस्ट ऑल अलोन. रोमिंग हियर एंड देयर शी रीच अंडर अ बिग बनियान ट्री. नाउ दिस गर्ल, विच गर्ल? दिस गर्ल, ये लड़की रत्ना वॉज वेरी नॉटी. नॉटी मीन्स जो बहुत शरारती करते हैं. बच्चे शरारत करते हैं ना. आप भी मस्ती करते होंगे अपने घर में, है ना? मस्ती करते हैं और पढ़ाई ढंग से करते नहीं है. इन सेम दैट वे रत्ना इज ऑल्सो अ नॉटी गर्ल. रत्ना भी एक शरारती लड़की है. सो व्हाट शी हैज़ डिसाइडेड? शी हैज़ डिसाइडेड टू गो टू द फॉरेस्ट ऑल अलोन. मतलब रत्ना ने क्या डिसाइड की कि वो फॉरेस्ट में जाएगी, वो भी अकेले. ओके,
रोमिंग हियर एंड देयर शी रीच अंडर अ बिग बनियन ट्री, मतलब जंगल में यहाँ वहाँ घूमते घूमने के बाद वो कहाँ पहुँच गई, एक बिग बनियन ट्री के नीचे। बनियन ट्री मीन्स केले का झाड़, केले का झाड़ बहुत बड़ा होता है ना, वैसे ही रत्ना इधर उधर घूमने के बाद कहाँ पहुँच गई, केले के झाड़ के नीचे। नाउ लेट सी व्हाट शी हैज सीन। शी सॉ अ बिग ड्रम अंडर इट, द ब्रांचेस ऑफ द ट्री शुक विद द विंड, दे स्ट्रक द ड्रम मेकिंग साउंड। नाउ व्हाट रत्ना हैज सीन, रत्ना ने क्या देखी कि वो बनियान ट्री के नीचे एक बहुत बड़ा ड्रम रखा हुआ है। ड्रम जो शादी के टाइम पे बजता है बारात में, उसको बोलते हैं ड्रम। उसकी आवाज़ कैसी बड़ी बड़ी आती है, उस पर स्टिक्स बजाओ तो फिर उस पर आप लोग डांस करते हो ना, राइट। इन सेम दैट वे यर ऑल्सो शी सॉ अ बिग ड्रम अंडर बनियान ट्री, इसी तरह रत्ना ने वो बनियान ट्री के नीचे किसको देखा, ड्रम को। तो ड्रम के ऊपर जब वो ट्री की स्टिक्स यानी कि डंडी पड़ रही थी तो उसमें से आवाज़ आ रही थी। और यहाँ विलेजर्स को क्या लगा कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही है, एक डेविल से मतलब किसी भूत से आ रही है। तो वो रॉन्ग थी, आवाज़ कहाँ से आ रही थी, आवाज़ ड्रम में से आ रही थी। क्यों ड्रम में से आ रही थी, क्योंकि वो एक ट्री के नीचे था और ट्री की जो स्टिक्स थी वो ड्रम पे पड़ रही थी, इसलिए वो ड्रम में से आवाज़ आ रही थी। रत्ना वॉज अ क्लेवर गर्ल, शी अंडरस्टूड द होल थिंग। नाउ शी अंडरस्टूड, अंडरस्टूड मीन्स अब रत्ना को समझ में आ गया कि वो आवाज़ विलेजेस को यानी कि गांव वालों को कहाँ से सुनाई दे रही थी, वो ड्रम में से आ रही थी। क्यों आ रही थी, क्योंकि वो बनियान ट्री के नीचे था और ट्री की स्टिक्स उस पर पड़ रही थी, इसलिए वो आवाज़ आ रही थी। नाउ रत्ना रैन टू द विलेज, शी टोल्ड द विलेजेस अबाउट द ड्रम। एट फर्स्ट दे डिड नॉट बिलीव, बट सम यंग पीपल वेंट टू द बनियान ट्री विथ रत्ना, दे लाफ्ड एंड लाफ्ड एंड दे ऑल वेर हैप्पी। नाउ आफ्टर कमिंग बैक टू द विलेज मीन्स वैन रत्ना केम बैक टू विलेज, जब रत्ना अपने विलेज वापस आई तो उसने विलेजेस को क्या बताया कि मेरे साथ चलो, आपको मैं कुछ बताऊंगी। सो शी टोल्ड द विलेजेस अबाउट ड्रम, रत्ना ने विलेजेस को ड्रम के बारे में बताया कि आवाज़ ड्रम से आ रही है, जंगल में कोई भूत वूत नहीं है, आवाज़ ड्रम से आ रही। बट द पीपल दे डू नॉट बिलीव टू रत्ना, गाँव के कुछ लोग रत्ना पे बिलीव नहीं किए। बट सम यंग पीपल वेंट विथ रत्ना, यंग पीपल मीन्स कुछ लोग रत्ना के साथ गए ये देखने के लिए कि रत्ना मजाक तो नहीं कर रही कि सच बोल रही है। सो दे वेंट विथ रत्ना एंड दे सॉ दैट रत्ना वॉज राइट एंड दे लाफ्ड एंड लाफ्ड दे ऑल वेर हैप्पी। जब वो लोगों ने देखा कि रत्ना सही बोल रही थी तो वो हंस हंस के पागल हो गए, मतलब खुश हो गए। क्यों खुश हो गए, क्योंकि रत्ना ने बताया कि घर में सॉरी जंगल में कोई भूत नहीं है, वो ड्रम की आवाज़ थी। सो द पीपल वेर हैप्पी। नाउ माई डियर स्टूडेंट्स, हियर वी एंड आवर सेकेंड लेसन। ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट। सो इट्स टाइम टू टेक लीव, बाय बाय।